नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। प्रियंका गांधी 22 जुलाई को ग्वालियर दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी सीधे बीजेपी नेता सिंधिया को उनके ही घर में चुनौती देना चाहती हैं। इस रैली से पहले सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कमलनाथ को घेरना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ विदेश दौरे पर हैं। बीजेपी का आरोप है कि ग्वालियर में होने वाली प्रियंका गांधी की रैली के खर्च से बचने के लिए कमलनाथ देश से बाहर चले गए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रियंका गांधी का जबलपुर दौरा पूरी तरह फ्लॉप रहा था, दिल्ली में डांट पड़ी है। यही वजह है कि कमलनाथ चुनाव के ऐन पहले विदेश घूम रहे हैं। वो व्यक्ति जिसको कांग्रेस के नेता या वो स्वयं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का दावेदार कहते हैं, वो चुनाव के 2 महीने पहले विलायत घूम रहे हैं और उस समय घूम रहे हैं जब उनकी एक बड़ी नेता मध्य प्रदेश आने वाली है। हम तो हर समय से कहते आए कि कमलनाथ जी हर समय पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ को इस चुनाव में हार साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि वो चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। अब तक इस मसले पर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कमलनाथ अक्सर काम के सिलसिले में छोटी छोटी विदेश यात्राएं करते रहते हैं। हालांकि विदेश यात्रा से वापस आने पर कमलनाथ बीजेपी के आरोपों पर क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की तरफ से इस हमले का जब भी कोई जवाब दिया जाएगा वो हम आपको प्रदेश तक पर जरूर दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ।